जॉन अब्राहम धीरे धीरे अपनी हटकर कर रही फिल्मों की वजह से काफी पसंद किए जा रहे हैं। उनकी फिल्मों को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। जॉन की पिछली फिल्म परमाणु को भी धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला था। वहीं अब जॉन अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते को लेकर चर्चा में है। फिल्म में जॉन शानदार लग रहे हैं, वहीं फिल्म के डायलॉग्स दमदार हैं। और अब फिल्म को लेकर एक बुरी खबर आ चुकी है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंस गई है। फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। दरअसल शिया समुदाय ने एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उनका कहना है कि फिल्म के मातम सीन ने मुस्लिम संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि फिल्म से मातम सीन को तुरंत हटा लेना चाहिए और उसके बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए। शिकायत के आधार पर फिल्म मेकर्स के खिलाफ IPC की धारा 295, 295A और 153A के तहत FIR दर्ज हुई है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर और फिल्म के गाने दिलबर ने काफी धूम मचा रखी है। फिल्म के गानों और ट्रेलर को देखकर तो लग रहा है कि फिल्म में जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिलेंगे। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है और इसी दिन अक्षय कुमार की गोल्ड भी रिलीज होगी, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त को धमाकेदार क्लैश होने वाला है। वहीं FIR दर्ज हुई है तो उस मुश्किल से फिल्म मेकर कैसे बाहर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी।